समस्त देवता अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। भारी धूमधाम से नगाड़े बज रहे थे देवराज इंद्र के यहां। अग्नि देवता, वरुण देवता, इंद्र देवता सब उस शोभा को अपने अपने आसनों पर बैठ करके बढ़ा रहे थे। तब तक मृत्यु लोक से चल करके, धरती से चल करके एक महात्मा पहुंचे हैं। और उन महात्मा का नाम क्या था जो आज अमरापुर के बीच में पहुंचे हैं? विचार करना कैसे कैसे तप से इस धरती पर अवतार ले गए कि अगर देवता धरती पर आ सकते थे तो वो संत इस धरती पर पैदा हो गए कि संत भी अमरापुर में जा सकते थे। कितना तेज और कितना बल था वो महात्मा थे कौन? निकल की बनती जाई रहे और मन में बांधी लई आशाए, हाथ कमंडल पकड़ लो और पहुंच गए दुर्वासा है। राजन सुनिए बचन हमारा, भरी सभा में कदम उधरो, अरे इंदुर के खड़े इया गाए, जिस समय आज दुर्वासा ऋषि आए, शिव जी के अंश अवतार थे। आपको पता है श्रीमद् भागवत में लेख आता है कि दुर्वासा ऋषि केवल अपनी मेहतारी के गर्भ में दस ही दिन रहे थे। वही दुर्वासा ऋषि आज जिस समय देवराज इंद्र के यहां आए हैं तो सबसे पहले आसन इंद्र ने छोड़ा है, आसन से उठ करके खड़े हो गए। आइए महाराज, हमारे बड़े सौभाग्य हैं जो आप जैसे ऋषि का हमें दर्शन हुआ है। तो दुर्वासा महात्मा को जिस समय आसन पर बैठा लिया था तो इस बात को तो आप सभी जानते हैं कि सत्ययुग से लेकर के कलयुग तक अगर जलन रही है तो नेताजी कुर्सी की रही है। कोई किसी को ऊंचे आसन पर बैठा हुआ देख नहीं सकता, केवल जलन रही है तो इस बात की रही। तो दुर्वासा जैसे ऋषि को जिस समय ऊंचे आसन पर बैठा रहे देवराज इंद्र,
तो जितने देवता बैठे थे वो सब आपस में सलाह करते हैं, आपस में विचार करते हैं वो कही क्या रहे कानों में। अदिति के जा बेटा को हम मिलकी शीश झुकाते, मृत्युलोक को साधु है जय सुरपति शीश नवाते हैं। राजा कान में सलाह मिलाई, कपट भाव भरी गयो देवन के, अरे जय नीचो दे उदिखाए। सलाह कर रहे हैं कि मृत्युलोक का साधु और जिसके पदार्पण करते ही देवराज इंद्र ने आसन छोड़ दिया है, तो आपस में विचार करते हैं कि जो महात्मा जो आया है जय काउ कारण नीचो दिखा रहा है, अरे इतनी कदर तो हमारी ना इनके दरबार में जिनकी इतनी महात्मा की भैया। देवराज इंद्र जो समस्त देवताओं के भी स्वामी हैं आज वो भी मस्तक झुका रहे हैं और आसन छोड़ के खड़े हुए। सोता बंधु तो सब देवताओं का जब विचार बना तब कही देवराज ने से कि प्रभु आप हमारे देव हैं, आप हमारे राजा हैं, तो बाजा भी अच्छा बज रहा है, आपके नगाड़े भी अच्छे बजें और हमारा देवताओं का समाज भी अच्छा लगाए, लेकिन इस बाजे की धुन में हमारा नाचना नहीं है। अगर नाचना और हो जाता तो शोभा बढ़ जाती है। तुम्हारा बाजे बज रहे हैं तो बाजे के बीच में नाचना भी होना चाहिए। देवराज इंद्र भाषा को नहीं समझ पा रहे तो नाचने के लिए आज उस भरे समाज में बुलाया किसको है? आदेश कर दिया था देवराज इंद्र ने कि चलो बिगुल और बाजे बज रहे हैं और समस्त देवताओं का समाज बैठा है तो जाओ नाचने की व्यवस्था और कर रहा। सोता बंद हो व्यसन जब शरीर में पैदा होता है वो किसी भी तरह का हो व्यसन हमेशा नाश की तरफ ले जाते हैं, नाश की तरफ ले जाते हैं। तो आज देवताओं के समाज में भी और कितना गलत कर्म हुआ है उसमें नाचने को कौन बुलाया है जब बाजे बजे हैं तब कैसे? अरे जब सुरपति सब देखे देव समाजो है।
राजन जन्मेजय आप देवताओं को जो समाज बैठा था उसमें उर्वशी को बुलाया है, और जिस समय उर्वशी श्रृंगार करके और उस समाज में आई है श्रोता बंधु, तो देव समाज के बीच में जब उसने नाचना शुरू किया था उर्वशी ने, तो जब उसके पैरों की पायल बजी है उस समय दुर्वासा की हालत क्या होती है, ध्यान रखना माया से परे थे वो साधु, और आज वो एक नारी जो देवलोक की थी आज इतने बड़े ऊंचे ऋषि को रिझाना चाहती थी, लेकिन महात्मा की स्थिति क्या हुई, अरे जाकना निकल की खड़ी भाई और नाची उर्वशी जाती है, और ये 200 एकड़ पे श्रीमान अमरपाल उनकी तरफ से ही। और एक ही सर पे श्रीमान राम साई कुशवाहा।